हिंदी विशिष्ट के पद्य खंड वात्सल्य भाव से सोए हुए बच्चे से के कविताओं का संदर्भ प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। इसके पहले पद्य खंड वात्सल्य भाव की में हमने देखा था, आज हम देखते हैं सोए हुए बच्चे से। इसके कवि हरिनारायण व्यास जी हैं। देखते हैं हरिनारायण व्यास जी का जीवन परिचय। नई कविता के कवियों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखने वाले हरिनारायण व्यास जी का जन्म 14 अक्टूबर सन 1923 को जिला शाजापुर के सुंदरसी नामक गांव में हुआ था। आप एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए, इसलिए विभिन्न प्रकार के अभावों को आपने सहन किया। हरिनारायण व्यास ने उज्जैन तथा बड़ौदा में उच्च शिक्षा प्राप्त की। आपके मामा श्री गोपी वल्लभ उपाध्याय विचारशील व्यक्ति के धनी थे। आप पर उनकी बौद्धिकता का गहरा प्रभाव पड़ा और इनकी काव्य रचना के प्रति बचपन से ही लगाव था, जिसे उपाध्याय जी के निर्देशन में प्रोत्साहन मिला। व्यास जी सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक के प्रमुख कवियों में से एक है। वस्तुतः इनकी काव्य यात्रा को यहीं से विशेष पहचान मिली। व्यास जी पर सामाजिक विकास और वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है, इसी से उन्हें संघर्षशील आत्मविश्वास की प्रेरणा मिलती है। आपकी रचनाएं समर्थ रचनाकार हरिनारायण व्यास के सृजन का संसार व्यापक है। उनकी उल्लेखनीय काव्य कृतियां मृग और तृष्णा, बरगद के चिकने पत्ते, त्रिकोण पर सूर्योदय, आउटर पर रुकी ट्रेन आदि हैं। मृग और तृष्णा काव्य संग्रह उनके जीवन को प्रतिबिंबित करता है। आपकी काव्यगत विशेषताएं। हरिनारायण व्यास जी का मानना है कि काव्य सृजन के लिए जीवन और प्रतीक का योग आवश्यक है। यद्यपि व्यास जी कवि को सपनों में के संसार में विचरण करने वाले मानते हैं, किंतु आपके काव्य का विकास यथार्थ जीवन के खुरदरेपन से ही हुआ है। इन्होंने संघर्षशील संसार की विषमताओं तथा उसमें मिलने वाली असफलताओं से कठोर साक्षात्कार कराया है। आपकी भाषा और शैली। हरिनारायण व्यास जी मानते हैं कि व्यवहारिक जीवन में प्रयोग होने वाले विकसित होने वाली भाषा समाज तथा जीवन का एक सशक्त अस्त्र है। उन्होंने अपने काव्य में इसी भाषा को अपनाया है। सीधी सपाट बोलचाल की भाषा में बड़े गंभीर विषयों का प्रतिपादन करने में व्यास जी को सफलता मिली है। अलंकारों के आडंबर से दूर रहने पर भी आपके काव्य में अलंकारों का सटीक प्रयोग देखा जा सकता है। यथार्थ जीवन के प्रतीकों के माध्यम से आपने विषय को प्रभावी बनाया है। और आपका साहित्य में स्थान। स्वातंत्र काल के कवियों में हरिनारायण व्यास का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। यथार्थ जीवन को स्वाभाविक अभिव्यक्ति देने वाले नई कविता के कवियों में आपका महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखते हैं बच्चों, इस सोए हुए कविता से के कविता का सारांश क्या है और भाव क्या है। प्रस्तुत कविता में कवि एक छोटे बालक को सोते हुए देखते हैं। वह उसे अपने विचारों का आशीर्वाद देना चाहता है, किंतु तभी वह सोचता है कि उसके विचार उतने पवित्र उतने निष्कलंक नहीं रह गए जितना यह सोता हुआ बालक है। यह बालक इस दुनियादारी से पूर्णतः अनभिज्ञ अबोध और मासूम है। मैं अपने सपने देकर इस पर दुनियादारी का कोई दाग नहीं लगाना चाहता। वह बालक से कहता है, वह तो अभी तितली की भांति खुले आकाश में उड़ना चाहेगा, इसलिए मैं उसके रेशमी बालों को अपनी पथरीली और खुरदरी हथेलियों से सहलाकर उसकी निंद्रा को नहीं खोलना चाहता। बालक की नींद सपनों से भरी सेवन के फूलों से कोमल है, किंतु लेखक संसार के थपेड़े खा खा कर लहू लुहान हो चुका, अतः वह उसे छू कर अपावन नहीं करना चाहता। बालक का निष्कलंक सौंदर्य और पवित्र मुस्कुराहट उसे जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इसलिए वह कहता है कि जब सूर्योदय होगा तब वह स्वयं ही उसे जगा देगा। आइए बच्चों, अब देखते हैं पद एक
वाचन करिए, मेरे ख्याल इतनी खूबसूरत नहीं है कि जिनको मैं फूलों से खूबसूरत तुम्हारे पलकों को छुआ दूं और ये तुम्हारे लिए खूबसूरत सपने बन जाए। इनके कठिन शब्दों के अर्थ हैं ख्याल मतलब विचार, खूबसूरत मतलब सुंदर। संदर्भ है प्रस्तुत पद श्री हरिनारायण व्यास द्वारा रचित सोए हुए बच्चे से शीर्षक नामक कविता से लिया गया है। प्रसंग है इस कविता में कवि ने शिशु की सुंदरता पर संघर्षों की कठोर छाया न डालने की प्रतिज्ञा की है, उसी का यहाँ विवरण या वर्णन किया गया है। अब व्याख्या देखते हैं। लेखक आधुनिक कवि श्री हरिनारायण व्यास जी जीवन की कठोरता का अनुभव करते हुए कहते हैं कि मेरे विचार इतने सुंदर नहीं हैं कि मैं इन्हें फूलों से खूबसूरत नई पीढ़ी के बालकों की पलकों को छुआ सकूं, और मेरे द्वारा ऐसा करने पर मेरे विचार इन बच्चों के लिए मात्र एक खूबसूरत सपना बनकर रह जाएंगे। कहने का भाव यह है कि कवि अपने विचारों को और जीवन की कठोरता भोग रहे बच्चों पर लादना नहीं चाहता, वो जीवन की कठिनाइयों कठोरतों को अपने बच्चों से दूर रखना चाहता। इसमें विशेषता क्या है इस पद की देखते हैं। अनुप्रास और उपमा अलंकार की प्रधानता है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और वात्सल्य भाव। अब है पद दूसरा, वाचन करिए मेरे शासक बच्चों, ये ख्याल इन दुनियादारी की लपटों से झुलस गए हैं, पहाड़ों से टकराती नाव है ना कामयाबी की चोट से, ये लहूलुहान है तितली की पाखों से, तुम्हारी आँखों से उगते हुए उजाले के इंद्रधनुष सपने इनमें फंस कर बिखर जाएंगे, विवाही वाले इन पथरीली हथेलियों से तुम्हारे रेशमी बालों की शैशवी लापरवाही का स्पर्श नहीं करूंगा। शब्दार्थ देखिए, इसमें दुनियादारी सांसारिकता नाकामयाबी असफलता लहूलुहान खून से लथपथ विवाही वाली मतलब फटी हुई इंद्रधनुष सपने मतलब सप्तरंगी सपने। संदर्भ वही पूर्व की भांति की प्रस्तुत पद हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के वात्सल्य भाव सो हुए बच्चे से लिया गया है। इसके कवि श्री हरिनारायण जी व्यास हैं। प्रसंग कवि संघर्षपूर्ण एवं विपदाग्रस्त विचारों को सुंदर शिशु के ऊपर नहीं डालना चाहता, इसी भावना का वर्णन किया गया है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि कवि हरिनारायण व्यास जी कहते हैं कि मेरे विचार आज सांसारिकता के लपटों से बुरी तरह झुलस गए हैं, मेरे विचारों की श्रृंखला पहाड़ों से संघर्ष करती हुई नाव की तरह है, तथा जीवन में निरंतर मिल रही असफलताओं की चोट से ये खून से लथपथ हो गए हैं। यदि इन भीषण संघर्षों की गाथा को मैंने तुम पर रोपित करने की चेष्टा भी की तो तितली की पंखुड़ियों जैसी तुम्हारी आंखों में उगते हुए उजालों के ये सप्तरंगी सपने फंसकर कहीं बिखर ना जाए, उन पर मेरे संघर्षशील विचारों का कोई अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः मैंने यह निश्चय कर लिया कि मैं अपनी विवाही से फटी कटी तथा पत्थर जैसी कठोर हथौड़ियों से तुम्हारे रेशमी बालों की शैशवी लापरवाही को स्पर्श नहीं करूंगा। कहने का भाव यह है कि कवि अपने जीवन के संघर्षों की कटु अनुभूतियों को शैशव अवस्था के बालकों की बात की भावना पर थोपना नहीं चाहता, वह तो यह चाहता है कि नए शिशु जीवन में कुछ नया भोगें, नया अनुभव करें, ताकि उनका जीवन संघर्ष की कठोर यातनाओं की गाथा बनकर ना रह जाए। उक्त पद में अनुप्रास एवं उपमा अलंकार का महत्वपूर्ण चित्रण किया गया है। कवि ने तितली के पाखों, इंद्रधनुषी सपने और विवाही वाले हथेलियां आदि नए नए प्रतीक और उपमानों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब है तीसरा पद, फटी हुई चमड़ी से मैं उलझकर कोई बाल कोई रंगीन मनसूबा कोई कामयाब भविष्य टूट जाएगा,
आने वाला जमाना मुझे दोषी ठहराएगा तुम्हारी पलकों में तैरती उन ईंदी पुतलियों पर। शब्दार्थ है बाल मतलब बच्चा, मनसूबा अभिलाषा, कामयाब मतलब सफल और उनिंदी मतलब अलसाई। इसका प्रसंग और संदर्भ पूर्ववत की भांति ही है। और व्याख्या देखें, कवि कहता है कि फटी हुई चमड़ी में उलझकर किसी बच्चे के रंगीन भविष्य की कोई अभिलाषा अधूरी रह जाएगी, अथवा उसके अपने उज्जवल भविष्य का स्वप्न टूट जाएगा और इस घटना के पश्चात आने वाला युग उसे दोषी सिद्ध ठहराएगा। उस पर जीवन का स्वर्णिम भविष्य बच्चे की अलसाई पुतलियों और पलकों पर तैरता हुआ दिखाई देगा। इस पद का विशेष है अनुप्रास अलंकार की विशेषता है और उपरोक्त पद में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अब है पद चार, मेरे साथ वाचन करिए। सेमल सी रुई सी, सेमल की रुई सी सुबह की नींद जागने से पहले की कुमारी मंडरा रही है और तुम्हारा मन आतुर है कुलांचे मरने। हाँ, तुम ही से तो अपनी अहमियत पहचानते हैं, तुम हो इसलिए तो हमारी भूख प्यास मकसद रखती है। मैं तुम्हारे गालों को बीमार आठों की छुअन से नहीं जलाऊंगा, तुम इसी तरह मुस्कुराते सोए रहो, सूरज खुद तुमको जगाएगा। इनका शब्दार्थ देखते हैं। रुई सी मतलब रुई के जैसे, कलांचे भरना उछल कूद करने को, अहमियत महत्ता, मकसद मतलब छुअन स्पर्श। संदर्भ पूर्व की भांति है कि उपरोक्त पंक्तियां वात्सल्य भाव के सो हुए बच्चे से ली गई है और इसके कवि हरिनारायण व्यास जी है। प्रसंग, कवि अपने जीवन के कठोर संघर्षों की परछाई शिशुओं के मन पर नहीं छोड़ना चाहता, इसी भाव का इस अंश में अंकन हुआ है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि हे शिशुओं, सेमल सी रुई जैसी कोमल तुम्हारी सुबह की नींद है, लेकिन तुम्हारे ऊपर जागने से पूर्व की कुमारी मंडरा रही है और तुम्हारा मन वास्तविकताओं से अनजान बनकर कुलांचे भरने को व्याकुल हो रहा है। आगे कवि कहते हैं कि बच्चे ही प्रत्येक समाज के भविष्य हुआ करते हैं, अतः कवि इन बच्चों में ही अपना बचपन और बड़कपन देखते हैं। तुम्हारे भविष्य की उन्नति से ही मैं ही तो हमारी आशा और आज हमारी भूख और प्यास की चिंता करते हैं। कवि कहते हैं कि मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं अपने बालकों के कोमल गालों को अपने बीमार हाथों का स्पर्श नहीं करने दूंगा, अर्थात उनके खुशहाल जीवन को मैं अपने कष्टों में नहीं पड़ दूंगा। अंत में कवि कामना करते हैं कि मेरे देश के भोले भाले शिशु इसी तरह मुस्कुराते हुए सोते रहे और समय आने पर स्वयं सूरज ही उन्हें जगाने के लिए आएगा। इसमें विशेष है कवि शिशुओं का जीवन संघर्षों की कठोरता से बचाए रखना चाहते हैं। अनुप्रास एवं उपमा अलंकार का अद्भुत प्रयोग किया है। सेमल की रुई सी जागने से पहले की कुमारी, कुलांचे भरना, बीमार घोटों की छुअन से बचाना आदि का बड़ा ही सटीक एवं प्रभावशाली प्रयोग किया है। बच्चों, ये गृह कार्य है। आपने, मैं उम्मीद करती हूँ, यह वीडियो अच्छे से सुना होगा, देखा होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे और उनको अच्छे से याद करेंगे।